तो सुबह सुबह एक रिएक्शन वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड कर दिया और लगभग 8:54 AM हो चुके हैं। तो अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद पहली क्लास जो 9:45 पर है उसको अटेंड करेंगे। मंडे है तो ऐसा ही होगा। तो लगभग 1 बजने वाला आप देख सकते हैं कि 12:53 हो चुके हैं और मैंने सुबह की सिर्फ एक क्लास लगाई और उसके बाद मैं सो गया था। फिर आपने देखा ही कि मैं बाहर चला गया था। अब आया हूँ जाके तो अब इनकम टैक्स की क्लास है। 12:45 पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 12:54 हो चुके हैं, लगभग 9 मिनट्स में लेट हूँ तो क्लास को ज्वाइन करते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं मुझे वेटिंग करते करते, लेकिन सर ने अभी तक क्लास में एंटर कराया नहीं। तो आई थिंक सो लगभग मैं 11 मिनट लेट हूँ अब, तो इसलिए आई थिंक सो सर ने क्लास में एंटर नहीं होने दे रहे अब। तो आई थिंक सो आज इनकम टैक्स की क्लास फिर नहीं हो पाएगी क्योंकि सर ने एंटर नहीं कराया। फाइनली सर ने एंटर क्लास में एंटर कर लिया मुझे। यस सर, एक्चुअली सर मैं बाहर गया था कहीं पर, तो आगे मैंने सीधा क्लास ही ज्वाइन की। नहीं सर, क्लास इंपॉर्टेंट है। तो यार ये सर रोज ही ऐसे कहते हैं, जब भी गाइस मुझसे बात करेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे। आपने देख लिया है कि मैंने इनकी कहते हैं, मैंने इनकी जिनकी सफल कर दी, मैंने इनको और भी बहुत कुछ कहते हैं। आपने सुन लिया क्या 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 सर ने। बाकी यार ऐसे है कि सर की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सर के पास अबंडेंस ऑफ नॉलेज है। अब उनका नेचर ऐसा है तो हम नेचर को तो कुछ कर नहीं सकते। वी कैन जस्ट ग्रैब देयर नॉलेज एंड यूज़ इट फॉर आवर पर्पस। और गाइस सर की नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड इनकम टैक्स की क्लास हो चुकी है फिनिश, 1:30 बजने में, अभी 4 मिनट कम है। तो सर ने 4 मिनट पहले छोड़ दिया है। अब इसके बाद 2 क्लासेज है, 1:30 से लेकर 2:15 और 2:15 से लेकर 3 बजे। नहीं सर, हाल नहीं की थी, दुकान खुलने की वजह करनी मैं। सर मैं गया सी पिछले हफ्ते, गया सी तो बंद सी दुकान। तो यार फाइनली दिन की सभी क्लासेस हो चुकी है एंड और टाइम अभी हो चुका है 3 बजने में, लगभग 2 मिनट है 2:58। तो दिन की सभी क्लासेस हो चुकी है एंड, तो यार क्लासेस तो हो चुकी हैं फिनिश। तो आई थॉट कि अपन कपड़ों को जोड़ लेते हैं। तो यार कपड़े जोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था और सो गया था। अब टाइम हो रहा है लगभग 5:25 हो चुके हैं और मुझे अभी वीडियो शूट करनी है और चाय बनानी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले चाय बना लेते हैं, फिर चाय पी के फिर वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 5:30 बजे हैं और वीडियो मैंने आप 8 बजे अपलोड करनी है, तो लगभग 2.5 घंटे हैं। तो इसलिए वीडियो शूट होकर एडिट होकर अपलोड हो जाएगी। तो पहले चाय पीते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, फिर इसको एडिट करते हैं। यार मैंने आपको पहले ही कहा है ये व्लॉगिंग चैनल नहीं है, ये कुकिंग चैनल है, क्योंकि रोज़ मैं आपको कितनी कुछ कुकिंग करके दिखाता हूँ। तो ये व्लॉगिंग चैनल नहीं है, कुकिंग चैनल है।
ओके थैंक यू। तो यार लगभग 9 बज चुके हैं और मैंने सबसे पहले रिएक्शन वीडियो शूट की, फिर उसको एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया, फिर मैंने इसी वीडियो को एडिट करने बैठ गया हूँ और मोस्टली ये वीडियो सारी एडिट हो चुकी है। आई थिंक सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने थोड़े से VFX भी यूज़ किए हैं, विजुअल इफेक्ट्स को यूज़ किया है, तो आपको ये वीडियो और बढ़िया लगी होगी। तो यार जैसे आपको पता ही, कल पापा ने टेस्ट कराया था कोविड का, तो उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो यार मुझे किसी ने कहा था कि मैं अपनी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता, तो यार इस वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं आपको फिर कल सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय।